नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल इलेक्ट्रॉनिक स्टडी में। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे संस्कृत शिक्षण के हल मॉडल पेपर के बारे में 2018 से BTC DLED प्रथम सेमेस्टर से। तो अगर मैं बात करूं इसके भाग एक के बारे में, यानी कि जो बहुविकल्पीय प्रश्न थे, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन थे उनके बारे में हम बात कर चुके थे, ठीक है। जो वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस थे उनमें भी हम काफ़ी कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो है देख चुके थे। आज अपने इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ अति लघु उत्तरीय यानी कि वेरी शॉर्ट टाइप के भी आंसर्स, साथ में शॉर्ट टाइप आंसर्स यानी कि जो लघु उत्तरीय सवाल हैं उनके भी उत्तर को देखते चलेंगे। तो ये प्रस्तावित प्रश्न पत्र है, तो आप इसको अपने प्रैक्टिस के लिए आप इसको लगाइए, जो है देखिए कुछ ऐसे ही सवाल आपके जो है एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें। सबसे पहले अति लघु उत्तरीय सवाल में जो है मैं आगे अगर प्रोसीड करूं तो इसमें लिखा हुआ है संज्ञा के भेद को बताइए। कहने का मतलब है संज्ञा के प्रकार को बताना है कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, ठीक है, या संज्ञा के कितने प्रकार हैं। तो इसमें लिखा हुआ है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। और तीन यहाँ पर लिखे हुए हैं, अन्य प्रकार में भी दो प्रकार के लिखे हैं, एक द्रव्यवाचक है और एक है समुदायवाचक। तो हम बात कर लेते हैं इनके बारे में अलग अलग जो है कि भेद कौन कौन से हैं, उनको एग्जांपल भी मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया है जैसे करके आगे में, तो आप उसको भी देख सकते हैं, उसके बारे में भी लिख सकते हैं। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा की अगर बात करें तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा तो ये बताता है जैसे महात्मा गांधी हैं, पहाड़, जेल, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण में आते हैं। जातिवाचक किसी जाति विशेष को जो है सूचित करे, ऐसी संज्ञा जो है, संज्ञा की डेफिनेशन आप अच्छी तरीके से जानते ही होंगे, इसका अलग से वीडियो मैंने बनाया हुआ है अपने इस चैनल पर, आप उसको देख सकते हैं जा करके, ठीक है। कि किसी व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, कोई भी चीज़ है, ठीक है, इन सभी के जो नाम होते हैं वही संज्ञा होती है जो है, तो उसको आप वहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर मैं यहाँ पर जो प्रकार हैं उनको लिख रहा हूँ, साथ में जो इसके एग्जांपल्स हैं उनको मैं जो है इंक्लूड कर रहा हूँ यहाँ पे। तो जातिवाचक संज्ञा में आपका पुरुष है, गेंद है, ठीक है, जो पुरुष है वो जाति को बताता है, जैसे मैंने बोला स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, ठीक है। तो जो पुरुष है वो जाति को बताता है कि ये मेल है, ठीक है, तो ये एग्जांपल में हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें भाववाचक संज्ञा की बात की जाए, मतलब जहाँ पर कहीं भाव को देखने को मिले, ठीक है, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि एक तरीके से अमूर्त चीज़, ठीक है, प्रेजेंट बट नॉट प्रेजेंट, एक तरीके से अब्स्ट्रैक्ट चीज़। तो यहाँ पर जैसे मिठाई हो गया जो है, ये लड़ाई है, बुढ़ापा है, मतलब ये चीज़ें हैं लेकिन दिखाई नहीं देती हैं हमको, ठीक है, एहसास अनुभव करते हैं हम इनका, ठीक है। तो अब मिठाई है, खाने पे मीठी लगती है, लेकिन अब ऐसे वो मिठाई देखने की बात नहीं है, उसको एहसास करने की बात है जो है यहाँ पे, ठीक है, उसका एहसास करने की बात है। तो अन्य प्रकार में यहाँ पर देखते हैं, जैसे द्रव्यवाचक में लिखा हुआ है घी है, सोना है, ठीक है, आगे इसमें चावल है और ये लोहा, कोयला, ये सारे जो है आप एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हैं। आगे अगर समुदायवाचक की बात करें तो इसमें जैसे सेना, समुदायवाचक जो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा हो, जैसे सेना है, ठीक है, वो नंबर ऑफ जो है जो सैनिक होते हैं वहाँ पे उनको रिप्रेजेंट करेगा। भीड़ है जो कक्षा है, क्लास है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगी। दल है, पुस्तकालय है, नंबर ऑफ बुक्स को जो है, मेनी नंबर ऑफ बुक्स को रिप्रेजेंट करेगी। तो समुदायवाचक में आ जाएगा ये। आगे बात करते हैं इसमें, अगला क्वेश्चन है किन्हीं तीन शब्दों के हिंदी में अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर चार शब्द लिखे हुए हैं, तीन के हिंदी में अर्थ लिखने हैं। शब्द है नकुलह, कीरह, अरवन और लूता। तो कीरह तो मैं बता चुका हूँ जो है कि ये कीरह मतलब तोता होता है, ठीक है, यह तो इसमें शुकह मतलब भी तोता होता है। तो इसमें देख लेते हैं चारों के जो है हिंदी मतलब क्या है। नकुलह मतलब होता है नेवला, यहाँ पर देखिए नकुलह मतलब नेवला, कीरह मतलब होता है तोता, अरवन का अर्थ है घोड़ा, ठीक है, और जो लूता होती है उसका हिंदी मतलब होता है चींटी या मकड़ी। तो ये दोनों अगर आपको कहीं मिले या ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि लूता का हिंदी मतलब तो मकड़ी है, वो भी सही होगा, चींटी है वो भी सही होगा, ठीक है, दोनों लगभग नहीं ही होंगे आपके जो है ऑप्शंस में। आगे बात करते हैं इसमें, संस्कृत में चार पशुओं के नाम लिखिए। चार पशुओं के नाम बताने हैं आपको संस्कृत में, तो इसके उत्तर में होगा अजा, कुकुरह है, धेनु है, अश्व है, ध्यान रहे पशुओं के नाम संस्कृत में लिखने हैं, हिंदी में मत लिख के आइएगा जो है, ठीक है, कि आपने वहाँ गाय लिख दिया जो है, घोड़ा लिख दिया, तो ये हिंदी में हो जाएगा, उसने पूछा है संस्कृत में, ठीक है। आगे इसमें है कि लवणम शब्द का हिंदी अर्थ क्या है, ठीक है, तो लवणम शब्द जो है लवण जैसे बोलते हैं हम लोग, सॉल्ट जो होता है लवण, जब हम लोग केमिस्ट्री, जब रसायन विज्ञान पढ़ते हैं तो वहाँ पे लवण ही पढ़ते हैं, तो लवणम जो है वो क्या है, नमक है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, तीन नपुंसक लिंग पदों को लिखिए। पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग, लिंग के प्रकार भी पूछे गए हैं, तो तीन नपुंसक लिंग पदों को बोला है, तो इसमें भय है, हर्ष है, सुख है, ठीक है, ये नपुंसक लिंग में आएंगे। आगे इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है कि क्या अग्नि और महिमा शब्द जो है संस्कृत भाषा में स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो आपको अगर एक बार में आप देखेंगे तो जो
अग्नि है और जो महिमा है ये आपको स्त्रीलिंग में दिखाई देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। संस्कृत में जो अग्नि है और जो महिमा है ये पुरलिंग शब्द में आते हैं, और जब मैं हिंदी भाषा की बात करूँगा तो यही अग्नि और यही महिमा जो है वो आपके स्त्रीलिंग में आएंगे, ठीक है। फिलहाल जो संस्कृत भाषा की अगर बात की जाए तो उनमें ये पुल्लिंग शब्द में जो है ये काउंट किए जाते हैं, गिने जाते हैं, ठीक है। आगे इसमें लिखा हुआ है संस्कृत में लिंगों के प्रकार बताइए, लिंग के कितने प्रकार होते हैं वो बताने हैं। तो इसमें पुरलिंग है, स्त्रीलिंग होता है और नपुंसक लिंग होता है। तीन लिंग हमको संस्कृत भाषा में देखने को मिलते हैं, वही अगर हिंदी भाषा की बात करें तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ही देखने को मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। नपुंसक लिंग जो है नहीं मिलता है देखने को। आगे बात करते हैं इसमें संप्रदान कारक का प्रयोग किस विभक्ति के लिए किया जाता है। तो जब हम पढ़ते हैं ना कर्ता ने कर्म को करण के लिए, संप्रदान करण से संप्रदान के लिए, ठीक है, तो वो जो सप्तमी तक जब हम पढ़ते जाते हैं और संबोधन में जब, तो वहीं से ये इसके बारे में मैं बता चुका हूँ बहुत अच्छे तरीके से अपने वीडियो में। इसके पहले आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। काफ़ी मित्र हैं हमारे जो उनको वीडियोज़ नहीं मिलते हैं, ठीक है, वो खोजते रहते हैं कि वीडियोज़ नहीं मिल रहे हैं, तो आप प्लीज़ वहाँ पे जो प्लेलिस्ट बनी हुई है आप उसके अकॉर्डिंग उसको सर्च करने की कोशिश करिए, ठीक है। यानी अगर मैं मॉडल पेपर बता रहा हूँ तो मॉडल पेपर की मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उसको वहाँ से देखिए, आपको मिल जाएगा तुरंत, ठीक है। अगर मैं BTC कोई स्टडी मटेरियल की बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने अभी बोला कि ये संप्रदान कारक इसके बारे में बताया, तो आप BTC BEd और DLed वाले प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ से ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन जो है वो है संप्रदान कारक का प्रयोग किस विभक्ति के लिए किया जाता है, तो के लिए जो होता है वो चतुर्थी विभक्ति में प्रयोग में आता है, ठीक है, संप्रदान के लिए, तो ये इसका आंसर होगा। आगे इसमें बात करते हैं, क्वेश्चन लिखा है कि नदी शब्द का पंचमी विभक्ति तीनों वचनों में रूप लिखिए, ठीक है। तो नदी का आपको लिखना है पंचमी शब्द रूप है ये, ठीक है। तो इसमें है नद्या, नदीभ्याम हो जाएगा और नदीभ्या हो जाएगा, ठीक है। नदीभ्याम में जो माँ के नीचे है वो आपका हलंत होगा, इसे नद्या नदीभ्याम नदीभ्या, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें बात करते हैं लघुत्तरीय सवाल पर आते हैं, हम अति लघु जो है काफ़ी क्वेश्चन हो गए, आप बिल्कुल ध्यान रखें ऐसे ही क्वेश्चंस आपके अति लघु में पूछे जाएंगे, ज़रूरी नहीं यही सवाल आपको एज इट इज़ मिल जाए, ठीक है। बट ये है क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं और इसी के जैसे इसी के सदृश आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपके जो है फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर में। बात करते हैं, इसमें लिखा हुआ है निम्न का संस्कृत में अनुवाद करिए। तो अनुवाद बताने से पहले आप सभी को मैं बता दूँ कि एक से दो वीडियो में मैंने अनुवाद के बारे में काफ़ी कुछ बताया है उसमें, ठीक है, कि पहले तो नियम बताए हैं, उसके बाद ये भी बताया है कि अनुवाद कैसे करते हैं वही नियम के अंतर्गत, और साथ में ये भी कि कुछ काफ़ी सारे वर्ड्स थे, ठीक है, मतलब वर्ड्स मीन टू से कि सेंटेंस थे उनके जो है संस्कृत के में अनुवाद मैंने करके जो है बताए हैं। तो आप उसको वहाँ से लगभग 50-60 जो है वहाँ पर सेंटेंस है, आप उनको वहाँ से देख सकते हैं। फिलहाल ये जो मैं अब पढ़ने जा रहा हूँ ये क्वेश्चन पेपर में आया था, तो मैं इसको इंक्लूड यहाँ पे कर रहा हूँ। बात करते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि लड़के मैदान में खेलते हैं, तो ये है पहला आपका सेंटेंस, इसका होगा बालकाः क्रीडांगणे। यहाँ पर ध्यान रहे ये डा के ऊपर एक बिंदी होगी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर एक बिंदी रख लीजिएगा डा के ऊपर, क्रीडांगणे क्रीडन्ति, ठीक है, मतलब क्रीडा आंगने, आंगन जो होता है ना वही चीज़ मैदान में, तो क्रीडा आंगने मतलब क्रीडा का जो मैदान है वो आपका मैदान हो, क्रीडा का जो आंगन है यानी कि वो मैदान हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है इसमें तुम दोनों संस्कृत पढ़ते हो, तो युवाम संस्कृतम पठथा, तो युवाम कैसे होगा, जैसे हम लोग तुम बोलते हैं, ठीक है, और तुम सब और तुम दोनों, ठीक है, तो तुम युवाम युयम, तो जो सेकंड वाले उसमें आएगा द्वितीय उसमें, ठीक है, उसमें, तो कहने का मतलब ये है इसका जो रूल है इसका जो नियम है वो मैं बता चुका हूँ किस तरीके से युवाम होगा कब युयम होगा, ठीक है। पठसि पठथः पठथ, तो पठथः आपका सेकंड उसमें आएगा, ये भी आपका सेकंड में आएगा, तो उसी के हिसाब से ये यूज़ में आएंगे, ठीक है, ये नियम मैं बता चुका हूँ, आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके। नेक्स्ट है वह घर से विद्यालय जाता है, सह गृहात विद्यालयम गच्छति। उसके बाद है राम रामपुर में रहता है, रामः रामपुरे निवसति। उसके बाद है कमल जल में खिलता है, कमलम सलिलम विकसति। फिर है हमारे देश में 6 ऋतुएं होती हैं, तो अस्माकम देशे षड ऋतवः भवन्ति। षड ऋतवः, षड मतलब 6 होता है, ऋतवः मतलब ऋतु, भवन्ति मतलब होती है। परमेश्वर का भजन करो, परमेश्वरम भज, ये आपका हो जाएगा परमेश्वर का भजन करो। आगे बात करते हैं इसमें, निम्न वाक्यों का हिंदी में अनुवाद। अभी तक हिंदी वाक्य थे, संस्कृत में अनुवाद था, अब संस्कृत है उसका हिंदी में अनुवाद करना है। तो पहले लिखा हुआ है कि सह ब्राह्मणम धनम ददाति, वह ब्राह्मण को धन देता है। वृक्ष से पुष्प गिरते हैं, तो वृक्षात पुष्पम पतंति हो जाएगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट अहम रामस्य गृहम गच्छन्ति, मैं राम के घर जा रहा हूँ। जब गच्छति होता तो जाता हूँ होता, ठीक है, यहाँ पर है गच्छन्ति, तो ये बता रहा है जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले उसमें जब हम बात करेंगे। आगे देखते हैं इसमें, जयतु भारत जननीयम,
जयतु भारत जननीयम, ये आपका जो है वाक्य है, इसका जो हिंदी अर्थ होगा भारत माता की जय हो। आगे इसमें गुरुवे नमः, गुरु जी को नमस्कार है। उसके आगे है गणेशाय मोदकाम रोचन्ते, गणेश को लड्डू अच्छे लगते हैं या गणेश जी को लड्डू अच्छे लगते हैं। आगे इसमें है सह गुरुवे गच्छन्ति, वह गुरु के लिए जाता है। आगे बात करते हैं, इसमें पूछा गया है, मैंने कहा आपके कोर्स में दिया हुआ है 1 से 20 तक का जो है संस्कृत जो संख्यावाचक जो शब्द हैं, कहने का मतलब है जो 1, 2, 3, 4 हम पढ़ते हैं 1 to 20 उसका संस्कृत में आपको लिखने के लिए जो है आपके कोर्स में दिया हुआ है। तो ये पूछा भी गया है 2017 के पेपर में कि 11 से 19 तक के संख्यावाचक शब्दों को जो है संस्कृत में लिखना है। तो यहाँ पर मैंने बता दिया है, यहाँ पर देख लीजिए आप, एकादश लिखा है, द्वादश लिखा है, कहीं कहीं एकादशम, द्वादशम, त्रयोदशम ऐसे भी मिलता है। तो एकादश, द्वादश, त्रयोदश, उसके बाद चतुर्दश है, पंचदश है, षोडश, उसके बाद सप्तदश, अष्टादश और नवदश। जो नवदश है इसको एकोनविंशति भी बोलते हैं। अति लघु में यही पूछा गया था, ऑब्जेक्टिव में यही पूछा गया था एकोनविंशति का हिंदी अर्थ क्या है, ठीक है। तो एकोनविंशति या नवदश आपको देखने को मिले तो वो आपका 19 होता है, ठीक है, और विंशति आपका जो है 20 हो जाएगा। आगे बात करते हैं, इसमें इसमें लिखा है कि क्वेश्चन है, षड्दोषाः पुरुषेणे हाताभ्या भूमिचितः निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घसूत्रता, इसका हिंदी में अर्थ लिखना है। ये जो मैं अभी जो मैंने ये पढ़ा है, ये दोनों वाक्य, ठीक है, ये सूक्ति के उसमें ये दोनों, ये वाक्य जो है, ये सेंटेंस दोनों, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, रिपीट हुए हैं ये, तो इनका आप रट लीजिए एक तरीके से इनको। इसका जो हिंदी अर्थ है वो ऐश्वर्य चाहने वाले पुरुष को 6 दोष त्याग देने चाहिए, नींद, थकान, डर, गुस्सा, आलस्य, धीरे धीरे काम करने की आदत, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसमें निम्न संस्कृत शब्दों का हिंदी में अर्थ लिखिए। तो खगाह मतलब पक्षी होता है, मैंने लिख दिया सीधे सीधे, गोदूमा मतलब गेहूं होता है, कुंजरा मतलब हाथी, अश्वत्थाह मतलब होता है पीपल, पिपीलिका मतलब होती है, पिपीलिका का जो हिंदी मतलब है वो है चींटी। तो मित्रों फिलहाल इस वीडियो में हम यहीं पर रुकते हैं, हम बात कर रहे थे जो लघु उत्तरीय सवाल हैं आपका जो मॉडल पेपर है BTC DL 2018 का प्रथम सेमेस्टर से उसके बारे में। इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है अभी काफ़ी सवाल हैं इसमें बचे हुए हैं, एक वीडियो और होगा, ठीक है, उसमें मैं कवर कर दूंगा, जो इसमें शब्द रूप हैं जो धातु रूप हैं उनके बारे में भी मैं बता दूंगा जो है कुछ चीज़ें। वैसे शब्द रूप धातु रूप भी मैं बता चुका हूँ, फिर भी मैं कुछ चीज़ों को यहाँ पर इंक्लूड कर दूंगा जो इंपॉर्टेंट वाले हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं मित्रों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।